वहीं मसूरी में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। कमल पटेल ने कहा कि किसानों को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। भारत कृषि प्रधान देश है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और देश के 70% लोग गांव में रहकर खेती करते हैं। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ है। रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है वो हमारे किसान ही उसको पूरा करेंगे, क्योंकि 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती पर आधारित। लेकिन आजादी के इन 75 वर्ष में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण खेती घाटे का धंधा थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेती घाटे की धंधे की बजाय लाभ का धंधा बन रही है और 2 गुना आय करने का जो संकल्प लिया था उसमें कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। किसान एमएसपी की बात चलती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार है, किसान को एमएसपी वाला नहीं एमआरपी वाला हम बना रहे हैं। जैसे मैं किसान हूँ पहले, बाद में मंत्री हूँ, मैं गेहूँ बेच कर क्या करता हूँ तो गेहूँ बेचता हूँ एमएसपी पे, लेकिन अगर मैं मैदा और आटा बना के बेचूंगा तो एमआरपी पे बेचूंगा, क्योंकि पानी की भी एमआरपी होती है, हर चीज़ की एमआरपी, किसान की फसल की एमआरपी नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ रुपया कृषि अधोसंरचना विकास फंड दिया, जो नाबार्ड के माध्यम से 2% ब्याज की छूट रहेगी, 40% सब्सिडी उद्योगों को, शहर के लोगों को मिलती थी वो किसानों को मिलेगी, 10,000 कृषि उत्पादक समूह बनेंगे और उनके माध्यम से उसमें 300 मिनिमम एक समूह में किसान रहेगा, मैक्सिमम जितना चाहे रह सकता है, और वो समूह में रहकर प्राकृतिक खेती, गाय भी पालेगा, गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई, ताकि हमारा शुद्ध अनाज हो, क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया को डिमांड है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता है, शुद्ध अनाज चाहिए, और वो शुद्ध अनाज दुनिया को पूर्ति कर सकता है भारत, ये भारत के लिए अवसर है।